सबसे बड़ी खबर उन छात्रों के लिए जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक के परिणाम आज जारी हो सकते हैं। बिहार बोर्ड दसवीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आज आने वाला है, जिससे छात्र ऑनलाइन देख पाएंगे और दोपहर के बाद कभी भी नतीजों का ऐलान हो सकता है। वैसे बिहार बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से दसवीं का रिजल्ट जारी करने के आधिकारिक समय का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने खुद आधिकारिक तौर पर 22 मई तक की डेडलाइन रखी थी। इसके बाद आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ये भी जानकारी ले लीजिए कि इस साल बोर्ड की परीक्षा में कुल 15,29,393 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे और इस परीक्षा में 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। पिछले साल 6 अप्रैल को ही मैट्रिक परिणाम आए थे, जो जिसमें 80.73% स्टूडेंट्स पास हुए थे। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, आज मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है, आएगा या नहीं? देखिए विवेक, विश्वास सूत्रों के हवाले अगर खबर की बात करें तो आज शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट का वक्त रखा गया है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हर बार रिजल्ट जारी करते थे, इस बार लॉकडाउन की वजह से जो है शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचेंगे। बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और सचिव प्रमोद कुमार जो है खुद ही जारी करेंगे। माना जा रहा है कि 5 और 7 के बीच में जो है शाम में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चूंकि लॉकडाउन की वजह से मूल्यांकन में थोड़ी देरी हुई थी, रिजल्ट को टारगेट रखा गया था कि अप्रैल माह तक ही जारी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी देश के सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड जो है बिहार बोर्ड बनने वाला है, क्योंकि अब तक किसी भी राज्यों में रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो मतलब कि रजनीश, ये कह सकते हैं कि रिजल्ट आज जारी हो सकता है नहीं, बल्कि जारी होकर ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो खबर है विवेक, हम सूत्रों के हवाले ही बता रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि आज शाम 5 से 7 के बीच में रिजल्ट जारी हो रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट जारी हो रहा है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। तो कुल मिलाकर कई स्तर से जो मूल्यांकन है उसकी कॉपियों की जो है देखा गया है, एक्सपर्ट के द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया गया है। टॉपर जो है तकरीबन 100 ऐसे टॉपर है जिनको फिजिकल वेरिफिकेशन ना करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए वेरिफिकेशन किया गया है। साथ ही जो टॉप 10 स्टूडेंट है उनकी सूची बन गई है और शाम में आनंद किशोर चेयरमैन खुद जारी करेंगे, जिसके बाद परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का वक्त है जब रिजल्ट जारी होगा, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बिल्कुल ध्यान लगाकर उन वेबसाइट्स पर टिके रहें, आपका रिजल्ट भी आने वाला है। और दरगया में देर रात भीषण सड़क हादसे में